आप ही की तरह ये प्रोग्राम को देखने का मौका मिला था। मैं बैठा था वहां पर पीछे और उसी दिन निर्णय लिया था एक दिन स्टेज पे भी और जाऊंगा और स्टेज मेरा होगा, ये मैंने वहां पे बैठ के प्रॉमिस लिया था। जब मैंने बेस्टी स्टार्ट किया, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था 15,000 के सैलरी, उसकी कंपनी का नाम हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कंपनी है, नाम बता देता हूँ पार्ले एग्रो इंडिया लिमिटेड। वहां पे मेरा सैलरी था 15,000। उससे पहले एक कंपनी में जॉब करता था 40,000 था, जाने के बाद ये 15,000 का नौकरी मेरे को मिला और 15,000 नौकरी के साथ प्रेस्टीज को स्टार्ट किया। और प्रेस्टीज के अंदर जो पहला इनकम था मेरा प्रेस्टीज में स्टार्ट करने के बाद 332 रुपया, कितना 332 रुपया। इसके बाद एक प्रॉमिस किया, जब तक 1,00,000 रुपया नहीं आएगा मैं नौकरी को रिजाइन नहीं दूंगा। ये प्रॉमिस करके मैंने स्टार्ट किया प्रेस्टीज को पार्ट टाइम, सीरियस पार्ट टाइम काम किया तीन साल के बाद एग्जैक्टली 2015 दिसंबर का जो पे आउट आया, 2016 जो हमारे जनवरी 12 तारीख को आया, तो 1,05,351। उसके बाद मैं फुल टाइम हो गया वेस्टीज के अंदर, मेरा हाईएस्ट इनकम यहां से गया 1,80,000। और अचीवमेंट की बात करूं, विदेश यात्रा करीबन 3 कंट्री में घूम चुका हूं, क्रूज भी उसमें है, कुलदीप जी दिखा रहता हूं, उसमें मैं भी शामिल था, दुबई, अबू धाबी, थाईलैंड, बैंकॉक, जो सारे कंट्री हम ऑलरेडी घूम चुके हैं, जितना कंट्री अभी ज्वाइन करने के बाद मिला वो हो चुका है। गाड़ी आज डिजायर चलाता हूँ। मकान की बात करें, मकान अभी हाल ही में फरवरी महीने में मैंने एक परचेज किया मकान उड़ीसा में 50,00,000 का हुआ। ये हो पाया, ये सिर्फ हो पाया एक कारण के वजह से, अपने आप को सरेंडर किया ऑफलाइन के आगे और सरेंडर किया सिस्टम का आगे। और ये सक्सेस सेमिनार जब से मैंने स्टार्ट किया हूं तब से लेके अभी तक एक बार भी मिस नहीं किया, एक बार भी नहीं मिस किया, और इसीलिए वहां से चढ़ के यहां पहुंच गया। अगर आप सक्सेस सेमिनार को करीबन 2 साल लगातार आते हो, 101% आपका 1,00,000 रुपया पर मंथ इनकम होगा। और अगला जो सेमिनार है नवंबर 14 तारीख को हो रहा है, एक व्यक्ति 2 टिकट और लेके जाएगा, यानी कि 3 टिकट, ईच वन ब्रिंग 2। यही बोल के मैं बातों को अंत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम सस्मिता नायक है, आशीष जी की वाइफ हूँ। आशीष जी, जब 9 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किए थे तब मैं बिल्कुल नेगेटिव थी और मुझे नहीं पसंद था कि वो कोई नेटवर्क कंपनी ज्वाइन करे, क्योंकि इससे पहले भी हम किसी कंपनी दूसरे कंपनी से जुड़े हुए थे, एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो इस वजह से मुझे लगता था कि ये कोई अच्छी जॉब कर ले और कहीं से मतलब 50,000-60,000 रुपये आ जाए, और पैसे से क्योंकि अकाउंटेंट थे तो 50,000-60,000 तो आ ही जाता। पर आशीष जी जिद्दी थे और उनको पता था कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, और इसी सोच के साथ वो लगे रहे और मैं भी अपनी रोल अदा करने में कम नहीं रही। मैं हमेशा जब कभी आशीष जी किसी को प्लान दिखाते थे घर पे, मैं सोचती थी ये बंदा ज्वाइन ना करे, और बहुत सारे काम किए मैंने टाटा टीम में, जेटा टीम में टाटा टीम मिलाया, और मतलब काफ़ी सारे, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है 100% लॉयल होना बहुत ज़रूरी है, बट मैं वैसे नहीं करती थी क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था। बट आशीष जी इसको प्रूव करके दिखाए, 1,00,000 से ऊपर सैलरी जो हमारा पे आउट गया, और किसी इवेंट के दौरान ही मैं चंचल मैम से मिली, और मुझे लगता था कि जो ज़्यादा गोरे हैं सुंदर हैं और जो इंग्लिश फराटे से बोल सकते हैं वही इस काम को कर सकते हैं, हम जैसे नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उड़ीसा को बिलोंग करती हूँ, मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। बट ये सब गलत था, और मैं लाजपत नगर में मिली बहुत सारे ऐसे लेडीजों से जो इस इंडस्ट्री में कामयाब हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं विश्वास हुआ और मैं लगी रही। अगर अचीवमेंट की बात करूँ, अब जो हाईएस्ट इनकम है लगभग 3,500,000 रुपये का, और यहाँ से होंडा सिटी गाड़ी ले चुके हैं, फ्लैट भी बुक कर चुके हैं जो कि लगभग 80,00,000 रुपये का है। और अब एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, जब आशीष जी इस काम को नए शुरुआत किए थे तो किसी भी ऐसे सेमिनार नहीं छोड़ते थे, और कभी कभी ऐसे होता था एनिवर्सरी है, बच्चों की बर्थडे है, पर मानते नहीं थे।
आ जाते थे यहाँ पे, मुझे अकेले बर्थडे मनानी पड़ती थी, अकेले एनिवर्सरी, तो क्या मनाएगा इंसान, गुस्सा बहुत आता था इसी वजह से। बट आज की डेट में मैं जब चाहूँ तब एनिवर्सरी मनाऊँ, जब चाहूँ तब बर्थडे मनाऊँ, किसी भी रेस्टोरेंट में जाके मना सकती हूँ। ये है इस बिजनेस की खासियत, इस इंडस्ट्री की खासियत, कि हम जो चाहे वो यहाँ से अचीव कर सकते हैं। सिद्धार्थ सर हमेशा कहते हैं ये अलादीन का चिराग है, बस आप काम करते जाइए और जो चाहोगे वो मिलेगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, यू आर नाउ लीडर वाली बात। फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष नायक और मुझे लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं वेस्टीज के अंदर। उससे पहले भी मैं किसी अन्य नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ समय काम किया, लेकिन बाई प्रोफेशन में एक अकाउंट्स मैनेजर की जॉब कर रहा था। एक अकाउंटेंट होते हुए जब पैसा शॉर्टेज पड़ता है, अकाउंटेंट इस दर्द को समझ सकता है, अगर आप में से कोई अकाउंटेंट है तो पार्ट टाइम काम ढूंढता है, ये से बैठे हैं तो पार्ट टाइम काम क्या करता है कि शाम को कहीं कचना कुछ ना कुछ पार्ट टाइम संडे का, तो मैं भी इसी पार्ट टाइम कुछ कर रहा था और अम्बिशन बहुत था कि बड़ा कुछ करूंगा, लेकिन कुछ मौका नहीं मिल रहा था। उसी दौरान मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिली। पहली बार में अगर मैं बात करूं तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा वो लोगों का काम है जिन लोग टाइट लगा घूमते हैं, अकाउंट्स वाले हैं, वो सेल्स मार्केटिंग का काम मेरे से नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि और मैं लकी था, कुछ ऐसे लोगों से मिला जो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का सफलता, नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर, जो विजन, उसको मेरे अंदर ट्रांसफर करने में सक्षम रहे, जिसके वजह से मैं 2 साल पार्ट टाइम करने के बाद और इसी तरीके की इवेंट में बहुत सारे लगातार जाने के बाद मुझे लगा हाँ इसकी पोटेंशियल है, तो उसके बाद मैंने जॉब को छोड़ के फुल टाइम करने लग गया और तब से लेके अभी तक मैं इस इंडस्ट्री में आज एक करियर डेवलप कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ लेकिन लोगों का लोग एक ही चीज बोलते हैं सर मैं करता हूँ होता नहीं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। 2 दिन पहले मैंने मेरे डाउनलाइन के साथ बैठा था तो बोला सर मैं तो करना चाहता हूँ और आप में से सब लोग चाहते होंगे, यस सब लोग चाहते हैं, तो वो भी चाहता था लेकिन मैंने बोला क्या हुआ क्यों नहीं कर पा रहे हो, बोला पता नहीं क्यों बट मैं पता नहीं कर रहा। बोला अच्छा तुम सुबह करते क्या हो, बोला मैं पूरा दिन भर क्या करते हैं सुबह, सर सुबह 8 बजे उठता हूँ और जो जिसके पास पैसा नहीं होता ना उनके नींद बहुत ज्यादा आता है और जिसके पास पैसा होता है वो सुबह पार्क में मिलता है तो वो भी 8 बजे उठता है। मैं बोला उसके बाद क्या करता है, ना मैं सब्जी काटता हूँ क्यों, ना लंच लेके जाना है और 9:30 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ। मैं बोला आते कितने बजे, बोला 9 बजे। मतलब क्या करते हो, ना फिर सब्जी काटता हूँ, मतलब क्यों, ना रात को डिनर बनानी है, फिर वह क्या करता हूँ ना डिनर बनाने के खाने के बाद फिर मोबाइल लेके बैठ जाता हूँ, वो मोबाइल लेके बाद क्या करते हो ना 2-3 वीडियो देखता हूँ, वीडियो देखते देखते मुझे नींद आ जाती है मैं सो जाता हूँ और सुबह उठ के कितने बजे फिर 8 बजे वही काम शुरू हो जाता है। मैं बोला तुम दिन भर अगर ये करते हो तो फिर सफल होने के वेस्टेज के बारे में कब सोचते हो, बोलता सर जब मौका मिले देखता हूँ किसी वेस्टेज वाला को तब सोचता हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन दिन भर एक बार भी अपने सक्सेस और वेस्टेज के बारे में नहीं सोच पाते हैं। इसीलिए आपको इतने बड़े बड़े लीडर जो भी अचीवर भी हैं वो सब लोग एक ही चीज बताते हैं इस तरीके की इवेंट में आइए। क्यों आइए, क्योंकि इस इवेंट में आने के बाद आपकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपको लगेगा अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कहीं ना कहीं आज रात भर भी आपके दिमाग में चलता रहेगा और लगातार जब आएंगे तो यही सोच धीरे धीरे आपकी सफलता के कारण बनता है, क्योंकि पहले सोच आएगा उसके बाद सफलता आएगी। सफलता ऐसे बाय डिफॉल्ट कभी किसी को नहीं आए, आप कभी कुछ सोचोगे तभी कुछ होगा। लगातार इसी तरीके की इवेंट में रहिए और जब जब इवेंट में रहेंगे तो जरूर आप कभी ना कभी सफल हो जाएंगे, आपको भी नहीं पता है। और मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा और सबसे पहले तो नवरात्र की शुभकामनाएं और आप इस समय में भी आपने इतने लोगों के बीच में भी आप सब लोग यहाँ पे आए इसका मतलब ये शो करता है आप कुछ करना चाहते हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ आईटीओ के बगल में रहते हैं वो लोग यहाँ नहीं है, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100-200 किलोमीटर दूर भी यहाँ पहुंचे, इसका मतलब आप कुछ करना चाहते हैं, 100% आप सफल होंगे। और इसी शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे गुड न्यूज है।